पर बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई और बड़ी खबर सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक का बड़ा बयान सामने आया है। सुसाइड नहीं कर सकते थे सुशांत, ये बड़ी बात कही स्मिता पारिक ने। बहुत जिंदा दिल और साइंटिफिक शख्स थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की मौत के बाद रिया के बयान हैरान करने वाले हैं। स्मिता ने ये बात कही है। रिया अपने बयान से पलट गई। सुशांत के परिवार के साथ रिया का बर्ताव अच्छा नहीं था। ये तमाम बड़ी बातें और बड़ी दावे किए हैं स्मिता पारिक ने। सुशांत केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सुशांत की दोस्त है स्मिता पारिक, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सुसाइड नहीं कर सकते थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन इस पूरे मसले में क्या ये सिर्फ कहानियां इस तरह आ रही हैं कि जिस तरह रिया या उसके लोग चाहते हैं कि कहानियां उस तरह जाएं जो सुशांत के पूरे कैरेक्टर को एकदम उलट रूप दे सकें? इस पर हम बातचीत करेंगे स्मिता जी से। स्मिता जी बहुत करीबी दोस्त सुशांत के साथ रही हैं, लिट फेस्टिवल्स और तमाम जो भी एक लिटरेचर के जाने माने चेहरों में से एक हैं मुंबई में, अगर हम बात करते हैं उनका रिया के साथ भी परिचय रहा, यानी एक पूरे दोनों के साथ उनका रिश्ता रहा। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहानियों का सच क्या है और उनको क्या लगता है कि जो सुशांत के साथ हुआ वो क्या था। नमस्कार स्मिता जी, आप इस पूरा अगर हम लोग कहें कपल के बहुत करीब करीबी दोस्तों में आपको शुमार किया जाता रहा, आपका पहला इंप्रेशन क्या रहा जब आपने ये सुना कि सुशांत की इस तरह मौत की खबर आप तक आई, वो कब आई और क्या सुना, एकदम क्या लगा आपको पहला बार? एग्जैक्टली जैसे ही टीवी पर खबर ये एज ब्रेकिंग न्यूज शुरू हुई वैसे ही सभी लोगों को पता चला, और बहुत ही करीबी मित्र हैं सुशांत की और मेरी, जिन्हें सुशांत माँ बुलाता था, वो बहुत पैनिक हो गई थी उस खबर से, क्योंकि नेचुरली बहुत ही दिली रिश्ता था उनका भी सुशांत से, और बहुत रो रही थी, कुछ तो बोल रही थी समझ नहीं आ रहा था, बस इतना समझ में आया सिमी 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 टीवी देखो क्या हो गया, ये क्या कर लिया, ये क्या हो गया। और मैंने टीवी ऑन किया और मतलब जो मैंने देखा मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में वो एक्सप्रेशन या वो रिएक्शन मेरा कभी आएगा। मैं वैसे ही ज़मीन पर धम्म से बैठ गई आई थिंक, और मुझे नहीं पता उसके बाद कितने घंटों तक मैं उस ट्रॉमा में रही। तो वो बहुत एक अनबिलीवेबल थिंग थी, मैंने मतलब लग रहा था नहीं कुछ गलत है, कुछ प्रैंक है, ये कोई नेक्स्ट मूवी के लिए तो कुछ पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ना, आपको हर तरह का अंदेशा लगता है कि नहीं वो अभी आ जाएगा और कहेगा कि अरे नहीं नहीं ये सब गलत है मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, ये जैसे ही पहली खबर तो सुसाइड का जिस तरह खबर आई उस पे आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप तो बहुत दिनों से साथ रही हैं, आप क्या लगा तुम्हें? पहले ही मिनट से मैंने इसको खारिज किया है, क्योंकि सुशांत से जिस तरह का रिलेशन मेरा था एक भाई से एक बेटे से जैसा होता है, आप जानते हो कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, तो वो कुछ भी करेगा लेकिन वो खुद की जान और किसी की जान कभी नहीं ले सकता। मतलब वो एक बहुत लाइवली इंसान था, वो जिंदगी डालता था लोगों में, वो कैसे खुद की ज़िंदगी ले लेगा, वो एक एग्जाम्पल था, वो कितने सारे यंगस्टर्स का रोल मॉडल था, वो इतने सारे IIT स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देता था जो कि चीज़ें वो शेयर भी नहीं करता था, तो वो बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, आप तो रिया की भी, आपका परिचय रिया से कब हुआ? मैं रिया की दोस्त नहीं हूँ, प्लीज मुझे नहीं, मैंने दोस्त नहीं लेकिन मैंने परिचय कहा इसीलिए मैंने जी, क्योंकि सी मैं दोस्ती के मामले में बहुत चूजी हूँ, और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको बिल्कुल खुलेआम बोलती हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनकी दोस्त हूँ। रिया से मेरा परिचय सुशांत के घर पर ही हुआ, क्योंकि नेचुरली वो उनके साथ फिर लिव इन करती थी, आती जाती रहती थी, तो जाहिर है कि जब उनके साथ वो थी तो सुशांत ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, और क्योंकि सुशांत इतना ज़्यादा बात करते थे इवन मेरी एब्सेंस में अबाउट मी एंड मेरे जो भी काम मैं करती हूँ, तो वो समझ गई थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सुशांत की लाइफ का, तो वो मुझे इम्पोर्टेंस इसी वजह से देती रही होंगी, और यही वजह थी। अच्छा, जैसे चैट की बातचीत की गई तो उस चैट में वो आपसे कहना क्या चाहती थी? ऐसा है कि वो चैट में जो कहना चाहती थी वो पहले मुझे उसी चैट के जस्ट पहले कॉल में सब कुछ कह चुकी थी। कॉल उन्हीं का आया था मुझे 7 जुलाई को सामने से, स्मिता जी क्या कर लिया सुशांत ने, तो मैंने उनको उस कॉल में भी सबसे पहले खंडन किया था कि ये मत बोलो क्या कर लिया, क्योंकि ये कुछ गलत है, कोई फाउल प्ले है और सुशांत तुम्हें पता है नहीं कर सकता। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग हाँ, मुझे उसने कमिट किया था कि मैं उसको बार बार पूछा करती थी,
तो ये बात नोट करने लायक है कि अगर आप गर्लफ्रेंड हैं, आप होने वाली वाइफ हैं, और अगर आपको आशंका भी है ज़रा सी, तो आप अपने बॉयफ्रेंड को बार बार नहीं बोलेंगी कि तुम सुसाइड तो नहीं कर लोगे ना, तुम सुसाइड तो नहीं कर लोगे ना, तो क्या तुम उसके दिमाग में डाल रहे हो, पहली बात तो ये। और अगर ऐसे जो मरीज़ होते हैं सेंसिटिव, उनके दिमाग में तो ये बात बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, ये तो एक बच्चे को भी पता है। और उसने मुझे कमिट किया था कि मैं सुसाइड नहीं करूँगा, तो मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने तुम्हें कमिट किया था, तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगा, फिर तो बिल्कुल सही बात है, तो तुम क्यों सुसाइड थ्योरी पे बात कर रही हो। तो फिर वो कहने लगी, स्मिता जी ये फैमिली ऐसी है, ये फैमिली वैसी है, ये बहुत ईविल फैमिली है, वो उनसे डरता था, यू नो। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसे तो नहीं लगता था, जहाँ तक मुझे पता है, उसने प्रियंका से अपनी लड़ाई के बारे में मुझे बताया, तो जो वो लड़ाई थी जब हुई थी, तो प्रियंका जब घर से बाहर आई थी, उसी मोमेंट मुझे पता था कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली और सुशांत से ज़्यादा नज़दीक थी, रिया तो मुझे अब बता रही थी 7 जुलाई को, लेकिन जिस मोमेंट अप्रैल में उनके साथ वो घटना हुई थी और जब दुर्व्यवहार रिया ने किया था उनके साथ, वो उसी मोमेंट जिस दशा में वो घर से बाहर निकली थी एकदम पैनिक होके कि ये क्या मुझ पर इल्ज़ाम गलत गलत लगा रही हैं, उसी मोमेंट से मुझे वो बात तो पता थी। लेकिन मैं इसलिए भी उनसे बात चैट कर रही थी क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि आखिर हुआ क्या है, और ये एक स्ट्रैटेजी भी थी मेरी सिद्धार्थ और प्रियंका की कि हम जानना चाहते थे उनसे कि हुआ क्या है, तो इसलिए फैमिली जानती है कि मैं उनसे बात करती थी, जब भी मेरी बात होती थी फैमिली को पता होता था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ।